कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया, जिस विचारधारा में वो पले बड़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था। और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे, लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था। और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया, लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवर सिंह प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं।